करते हो, काहे सबको बुलाते हो? ऐसा क्या बतलाओगे, नाटक में क्या दिखलाओगे? भैया नाटक नहीं, बहुत सही बातें इसमें खूब कही, जो माँ इन बातों को अपनाए वही तो सबसे बच्चा पाए। आओ आओ तुम्हें बताएं, माँ की एक कहानी सुनाएं, कैसे कैसे वो जीती है, कैसे कैसे पीड़ा सहती है। आओ आओ अजी सुनती हो, कहाँ पर हो, इधर आओ। आई। अरे क्या हो, क्या हुआ, आओ बैठो बैठो। भाभी भाभी इधर आइए। आ रही हूँ देवर जी। क्या हुआ छोटी की, छोटी तुम भी तो हो, क्या हुआ देवर जी? हेलो, हाँ हाँ मुझे पता कि नहीं, ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप जाइए देवर जी, हम देख लेंगे। ठीक है भाभी, ख्याल रखिएगा। क्या हुआ छोटी, तुम्हें चक्कर क्यों आ रहा है, उल्टियाँ तो नहीं हो रही हैं? हाँ भाभी, मुझे दो दिन से चक्कर और पलटियाँ हो रही हैं। अच्छा तुम एक मिनट रुको, हम अभी आ रहे हैं। छोटी ये लो प्रेगनेंसी टेस्ट किट। इससे क्या होता है भाभी? ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, इससे हम ये जान सकते हैं कि महिला ने गर्भधारण किया है या नहीं। इसमें करना ये होता है कि सुबह के समय पेशाब की कुछ बूंदे इस किट पे डालते हैं, अगर दो लाल लाइन बन के आती है तो मतलब ये होता है कि महिला ने गर्भधारण किया है, और अगर एक लाइन बन के आती है तो इसका मतलब कि महिला ने गर्भधारण नहीं किया है, और अगर कुछ भी नहीं होता है तो हमें दूसरे किट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये लो छोटी, अब तुम हमें चेक करके बताना। ठीक है। अगली सुबह का दृश्य। नानी थोड़ा सा तेज बोलो। छोटी चेक किया था? हाँ भाभी मैंने चेक किया था, अभी लाओ मैं। ये लीजिए भाभी। अरे वाह छोटी, तुम तो माँ बनने वाली हो, बधाई हो। माजी माजी कहाँ है आप? यहाँ आइए। अरे क्या हुआ माजी, आप दादी बनने वाली हैं? क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे क्या हुआ, मेरी क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? देवर जी आप पापा बनने वाले हैं। बात नहीं, बहुत खुशी की बात है। ठीक है मैं चलता हूँ, मुझको ऑफिस में बहुत काम है। ठीक है चलो, मैं बाबा से आशीर्वाद ले लो। नहीं नहीं माँ जी, हम छोटी को लेकर अस्पताल जाएंगे। जाओ, तुम लोग तो मेरे को सुनते नहीं, जो मर्जी वो करो। चलो छोटी हम अस्पताल चलते हैं। अस्पताल का दृश्य। नमस्ते नर्स, हमें हमारी छोटी की जांच करवानी है।
क्या है? मेरा नाम संगीता है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम बाराबंकी के। आपको क्या क्या समस्या है? मुझे दो दिन से पलटी और चक्कर आ रहे थे और खाने भी अच्छे नहीं लगे। दरअसल नर्स ये गर्भवती है। आपको कैसे पता चला ये गर्भवती है? दरअसल छोटी को कुछ दिनों से उल्टियां आ रही थी और चक्कर भी आ रहा था, इसीलिए हमने घर पर ही टेस्ट किट मंगवा कर चेक किया तो उसमें दो लाल लाइन आ रही थी, इसी से हमने हम जान पाए कि ये गर्भवती है। ठीक है, चलिए आपको जाना। आपका बच्चा तो एकदम स्वस्थ है, आपको नहीं पता चला आप 3 महीने से पेट से हैं? नहीं, मुझे अभी कल पता चला है। इसके पहले आप किसी डॉक्टर से मिली थी? नहीं, हम इससे पहले किसी भी डॉक्टर को चेकअप नहीं कराया। आपकी कमर पर कोई सुई लगी थी? नहीं। कोई दवाई खाई थी? नहीं, मैंने कोई भी दवाई। ठीक है, आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप हरी सब्जियों का सेवन करिएगा और जितना हो सके उतना फल खाइएगा और हरी सब्जियाँ खाइएगा। और अभी आपको एक टिटनेस की एक सुई लगेगी और जिसका जो दूसरा डोज लगेगा 28 दिन बाद, फिर से आपको अस्पताल में आके एक डोज लगवाना है सुई का। ठीक है, तब तक ये कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं, आप इन्हें टाइम पर लेते रहिएगा खाने के बाद, और अगर आपको कोई भी परेशानी होगी आप तुरंत अस्पताल आइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। क्या नाम है बच्चा? संगीता। जीती रहो जीती रहो। क्या दिक्कत है? जीती रहो जीती रहो। ये लो बाबा का प्रसाद, लड़का ही होगा खा लेना। जाओ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? भाभी भाभी जरा इधर आइए। आ रहे हो देवर जी। अभी देखिए तबीयत जरा ज्यादा खराब लग रही है। क्या हुआ छोटी को? छोटी तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, क्या हुआ देवर जी से? लगता हमको इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हाँ हाँ देवर जी, आप सही कह रहे हैं। माजी को भी बुला लेते हैं। माजी, हाय। माजी देखिए छोटी को, इसकी तबीयत खराब हो रही है। देखिए क्या हुआ, अचानक बेहोश हो गई। क्या नाम है? संगीता नाम है। क्या इनका? मुझे 25 साल है। ये गर्भवती है। डॉक्टर साहब जी, मुझे पता नहीं था, मेरी माँ को पता है। अभी कल ही पता चला कि 3 महीने हो गए हैं।
समस्या है डॉक्टर साहब, इनका भी कुछ समस्या है? हमें मौजूद के कारण आपको दूध के साथ आपको बताना पड़ रहा है। क्या ये कैसे हुआ? ये तो आप ही बता सकते हैं कि आपको मैं क्या पिलाए या क्या पिलाए। अरे इसने बस खाना खाया था। नहीं नहीं माँ जी, क्यों आप झूठ बोल रही हैं? दरअसल डॉक्टर साहब बात ये है कि हमारी माँ जी जो है ना एक बाबा को बहुत मानती हैं, तो उन्होंने ही कुछ प्रसाद दिया था, वही इन्होंने छोटी को खिलाया है। तो बाबा जी के प्रसाद में तो कुछ भी नहीं होता है ना? अभी तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि कुछ होता है या नहीं। या आप लोग को नहीं पता कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे भी किसी डॉक्टर के सलाह पे आप इनको कुछ खिलाया पिला नहीं सकते हैं, आप इन्हें बड़े अस्पताल ले जाइए। अरे डॉक्टर साहब अभी कोई दवा दे दीजिए, बच्चा तो मर ही गया है। नहीं यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा इनके पेट में रहेगा तो फिर माँ को भी प्रॉब्लम होगी, और इन्हें बड़े अस्पताल ही ले जाइए। जैसा कि आपने देखा, वर्मा परिवार ने अपने अंधविश्वास के कारण अपने आने वाली संतान को खो दिया है। अथवा हमें अंधविश्वास पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। गर्भधारण के दौरान हमें 9 महीने तक समय समय पर जांच करवानी चाहिए, और गर्भधारण के दौरान कम से कम 4 बार जाकर जांच करवानी चाहिए। गर्भधारण के दौरान हमें समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए, और गर्भधारण के दौरान हमें खाद्य पदार्थों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरी सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों का भी उपयोग करना चाहिए। गर्भधारण के दौरान हमें 180 दिनों तक आयरन और कैल्शियम की टैबलेट खानी चाहिए। इसके दौरान अगर कोई भी समस्याएं होती हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद।